सालों बाद दिखा हार्दिक पांड्या का ये रौद्र रूप, याद आ जाएंगे पुराने दिन। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 48वां मुकाबला शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हरा दिया। इस लो स्कोरिंग मैच में गुजरात की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पांड्या की बल्लेबाजी देख हर किसी को उनके पुराने दिन याद आ गए। एक बार फिर से फैंस को वो पांड्या दिखा जो मैदान पर आते ही तहलका मचा देता था। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में पिच को देख हर कोई यही सोच रहा था कि इस विकेट से गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है, लेकिन पांड्या ने इसी पिच पर ऐसी बल्लेबाजी करी जिसे देख सभी हैरान हो गए। गुजरात की टीम इस मैच में 119 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। हार्दिक ने इस मैच में सिर्फ 15 गेंदों पर 39 रन बनाकर टीम के लिए मैच को काफी जल्दी फिनिश कर दिया। उन्होंने इस दौरान 260 की स्ट्राइक रेट से 3 छक्के और 3 चौके लगाए। हार्दिक पांड्या टीम के नेट रन रेट को अच्छा करना चाह रहे थे ताकि उनकी टीम लीग स्टेज खत्म होने कर टॉप 2 में ही रह सके। दोस्तों, आईपीएल में खेले गए इस मैच को गुजरात टाइटंस ने आसान से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। संजू का ये फैसला नाकाम साबित हुआ। उनकी टीम 17.5 ओवर में ही 118 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। मैच की दूसरी पारी में गुजरात के पास शानदार मौका था कि वह इस टारगेट को तेजी से चेस कर अपने नेट रन रेट को अच्छा कर ले। लेकिन टीम के सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कप्तान पांड्या अलग ही मूड से मैदान पर आए और तेजी से बल्लेबाजी कर मैच को जल्दी फिनिश कर डाला। फैंस बड़े लंबे समय से पांड्या से एक ऐसी पारी की उम्मीद कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या के फैंस हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने